खरगोन जिले में एक मुस्लिम महिला पुलिस थाने पहुंची, जहां उसने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर मारपीट करने की बात पर अपराध पंजीकृत करवाया है। हम आपको बता दें कि महिला का निकाह गुलशन नगर के एक निजी डॉक्टर से एक वर्ष पहले हुआ था और एक माह बाद ससुराल पक्ष दहेज की मांग से मारपीट करता था, जिसमें परेशान महिला अपने पति के यहाँ चिश्तिया नगर आ गई और उसने अपने बेटी को जन्म दिया। इस दौरान ससुराल पक्ष महिला को प्रताड़ित करने वहाँ भी जा पहुंचे, जिसमें परेशान होकर महिला परिजन के साथ थाने पहुंची और पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सब ये बोलते हैं, आए दिन मतलब यही नाटक, आए दिन यही रोज नाटक होती है। और 9 महीने से तो यही लड़की मेरी, कल डिलीवरी हुई तो कल आए थे लड़के का, लड़की क्यों हो गई वो, फिर अभी सुबह भी आए तो खूब लड़े अस्पताल में, ये लड़की हो गई तो हम नहीं रखेंगे, लड़का क्यों नहीं हुआ। क्या अभी रिपोर्ट करने आया जी? और कहते जान से मार देंगे। क्या चाहते हैं बाप? हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की लड़की करके ले गए तो परेशान नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अफसा। आपकी लड़की है जी? क्या नाम है? इशरत। देखिए, कल शाम को थाना खरगोन में एक अभियुक्त इशरत है, 30 वर्ष की, पेशे से चिकित्सक है। उन्होंने आके ये कंप्लेन की कि उनके ससुराल पक्ष के लोग, पति, सास, ससुर और दोनों, उनके साथ अनावश्यक मारपीट करते हैं और दहेज की मांग करते हैं, अलग अलग चीज़ों की और पैसों की मांग करते हैं। इस पर से अपराध पाए जाने से थाना कोतवाली में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ है? ये 5 लोग हैं, कुल परिवार के 5 लोग हैं। वो लाके दो, जब से शादी परेशान नहीं कर रहा है। अभी क्या हुआ आपके घर? अभी अस्पताल में लड़की का सुना तो आए ना, लड़के गए कि हमको तो लड़का चाहिए था, लड़की को पैदा करें, जला देंगे हम दोनों को। हम अस्पताल से आए, बाप से घर गए, फिर वहाँ भी आते हैं। लड़की को छीन भी रहे थे? हाँ, लड़की छीन रहे थे। क्यों छीन रहे थे? कि हम जला देंगे उसको, मार देंगे। क्या आपके साथ भी मारपीट करी? हाँ, करी थी मेरी सास ने। और क्या परेशान करते आप? दहेज वास्ते बोलते कि ये दो वो दो, फिर भी उनको पंखा दिया, मिक्सर लाके दिया, फिर भी बोलते कि हमको और होना। कब हुई थी आपकी शादी? 1 जून। साल भर हो गया? साल भर से परेशान कर रहे हैं, घर पे रुकी भी थी मैं। कितने महीने से रुके वहाँ पर? 8 महीने हो गए मेरे को। क्यों रुके थे? 9 महीने बस यही, मैं सास लड़ती, मैं नंदे लड़ती, ये होना हमको, वो होना, फिर कहीं ठहरा तो कहते हमको लड़का होना, मैं लड़की को दे दूंगी, मैं तेरे को भगा देंगे, हम रखेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? इशरत। पति का क्या नाम? रमीज। और सास का? रेहाना। क्या करते तुम्हारे पति? डॉक्टर है। कहाँ पर है? घर पे भी है और तौड़ी पे भी। अभी क्या आपके साथ मारपीट करी? हाँ, घर पे आके बच्ची छीन के ले आ रहे थे कि हम उसको जला देंगे। बच्ची कब हुई है? बच्ची कल हुई। वो मारने आए थे क्योंकि लड़की कैसे हो गई, या लड़का होता तो हम इसको ऐसा करते ना, ऐसा करते ना, और मेरी बच्ची को मारना आया था, बड़ी वाली को, माँ बेटी को, दोनों को, दादागिरी बताना है। क्या हुआ? क्या था ये? क्या मतलब, क्या चाहते? ये तो पहली बात, बच बच करके मेरे घर पे 6 महीने से है ना, मेरा घर पे ये मेरे घर से क्या 6 महीने से मेरे घर पे है, बच्ची को परेशान कर रही है और दहेज मांग रहे, बार बार दहेज का ताना मार रहे है। इसकी माँ इसकी ताना कहती है कि हमारा नाम मत लेना, और दहेज लेके आ, मिक्सर का बोला, मिक्सर पंखा मेरा जवाई लेके आया, मेरी बेटी मेरा जवाई, और कहती है वो आप गैस की टंकी नहीं, ये भी लेके आना की, और अभी फ्रिज भी लेके आना की, और सोने का हार भी मांग रहे है, मोटरसाइकिल क्या, सोने का हार। क्या मारपीट भी करते? मारपीट दादा के लिए बताते बच्चों को, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हमने सोचा चलो भाई आज बात को सुलझ जाएगी, कल सुलझ जाएगी, सुलझने को नाम नहीं देते, डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर क्या समझ रही है, पर मेरे को धमकाते कि मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा ना ऐसा कर दूंगा, क्योंकि यानी मेरे रिश्तेदार इतने हैं कि तुम मेरे को तो 2 घंटे के अंदर पर तुम्हारे को सब बता देंगे, क्योंकि और दादा के आगे बता देंगे। क्या चाहते हैं बाप? हम ये चाहते हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ हो, बस ये ऐसे लोगों के साथ, इनको जेल होना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब खान, पिता नूर मोहम्मद। आपकी लड़की है? ये मेरी लड़की है इशरत भी। कब हुई थी इसकी शादी? 1 जून को।
साल भर ही हुआ मतलब अभी साल भर ही हुआ 2020 में हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।